नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर टाइम के न्यूज चैनल। आइए देखते हैं देवरिया की खबर। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास का दावा कर रहे हैं, वहीं देवरिया जनपद के सलेमपुर नगर पंचायत बदहाली का शिकार हो गया है। विकास के सारे काम करीब 3 वर्षों से रुके हैं। बताया जा रहा है ना कोई सड़क नाली आदि के विकास में बाधा उत्पन्न हो गई। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सलेमपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष जय प्रकाश मद्देसिया का कहना है। मद्देसिया का आरोप है कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से धन की कोई प्राप्ति नहीं हुई है। नगर पंचायत के तमाम प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हैं हुए हैं, लेकिन सरकार के तरफ से धन आवंटन ना होने से सभी कार्य बाधित हैं। पता नहीं सरकार के लोग नगर पंचायत से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं 2-4 शब्दों में ही बता देना चाहता हूँ कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लेकर और आज तक नगर पंचायत में कोई न शासन प्रशासन द्वारा बजट नहीं आया। आज नगर के टूटी फूटी हुई सड़कें, टूटी फूटी हुई नालियाँ और लगातार 3 सालों से बारिश का कहर, जिसमें सड़क ध्वस्त हो गए, नालियाँ ध्वस्त हो गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, हर जगह की पोजीशन खराब चल रही है। पब्लिक पैलेस जो है डिमांड कर रही है सड़क बनवाने के लिए, नाली बनवाने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा नगर पंचायत को कोई बजट नहीं आने के कारण आज नगर पंचायत जो है बेरोजगारी की हालात में खड़ा है। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और शासन प्रशासन के पास फुर्सत नहीं है, मौका नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। आखिर नगर पंचायत के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि पूरा प्रदेश आज आंधी पानी से लेकर के और कोरोना से त्रस्त है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन का नगर पंचायत द्वारा पैसा नहीं आ रहा है, जिसके कारण सारा बजट न आने के कारण सारे काम ध्वस्त पड़े हुए हैं, सारे काम अवरुद्ध पड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से कि जितना जल्द हो सके नगर पंचायत के लिए वो बजट भेजे, ताकि नगर का विकास हो, नगर में काम हो और नगर का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने समस्त नगरवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन शासन प्रशासन का बजट आएगा, मैं खुला ऐलान कर रहा हूँ कि नगर का संपूर्ण विकास कराया जाएगा, नाली का जाल बिछा दिया जाएगा, सड़क का जाल बिछा दिया जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा बजट न आने के कारण इस वक्त हम लोग भी मजबूर हैं, लाचार हैं। हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, हम लोग तो खुद बर्बादी शासन कब से नहीं आपको बजट दे रहे हैं? जब से कोरोना शुरू हुआ तब से लेकर अब तक शासन प्रशासन द्वारा कोई बजट नगर पंचायत को नहीं आ रहा। क्या डिमांड आपने किया है शासन? मैं शासन प्रशासन में मैंने 12 करोड़ रुपए का बजट बना करके यहाँ से भेजा है नगर पंचायत के विकास के लिए, नाली और सड़क के लिए, लेकिन अभी तक उसका कहीं अता पता नहीं है कि नगर पंचायत में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इसका कोई भी संदेश नगर पंचायत को नहीं आया। सरकार विकास के विकास कर रहे हैं, सरकार विकास कर रही है, सरकार विकास की तरफ बढ़ रही है, लेकिन नगर पंचायत की ये दशा है कि नगर में कोई विकास नहीं हो रहा है। नगर में विकास होगा कब? जब नगर में शासन प्रशासन द्वारा पैसा भेजा जाएगा, बजट भेजा जाएगा, तभी विकास हो पाएगा। अगर नहीं भेजा गया तो विकास रुका हुआ है और ऐसे ही विकास रुका।